सभी लोग कह रहे हैं इस तरह से कि भगवान हमारे ही बड़े हैं, भगवान के प्रति हमारा समर्पण बड़ा है।
हमने छोटी सी बात पूछी तो भगवान अब दूसरे नंबर पे आ गए, बेटा पहले नंबर पे आ गया नहीं, फिर सारे के साथ झूठ बोल रहे थे। यदि दृष्टि में पहले बेटा आ रहा है इसका मतलब है अभी भगवान पर उतना विश्वास नहीं। एक बार भगवान पर विश्वास करते हैं तो कुछ बेटी भगवान पर विश्वास करते बेटे के लिए अपनी दुकान के लिए देख है और तो अपने जूते चप्पल भी ज्यादा जूते चप्पल को बार 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 देखोगे ठीक है कि नहीं वापस सो लेकर आया है यहाँ पे उठा के आ रहा हूँ ध्यान में जा रहा हूँ बार बार भगवान के लिए ध्यान बार बार जा रहा हूँ जूते के लिए ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ तो आपकी दृष्टि में इसकी कीमत ज्यादा है बता दो। अभी तो मैं बेटे को भगवान पर रखा था मैं युवाओं के शूज भगवान पर रख देगा बताओ किसकी कीमत ज्यादा है याद नहीं आ रही 10,000 होंगे। अब आज आपने समझा दिया अब सबको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो व्यक्ति हृदय से प्रभु को बहुत बड़ा मान लेगा ना सच्चा भक्त वो कहलाता है, उसके जीवन में कभी विकट परिस्थिति आती ही नहीं, कभी कुछ आती ही नहीं, क्योंकि भगवान की अच्छा करने के लिए हमें ऐसा आगे खड़े रहते हैं। आप लोगों ने हमेशा बढ़िया की लड़ाई बड़ा सत्य कहते हैं कटु सत्य कहते हैं हर एक व्यक्ति ने हमेशा बढ़िया की का प्रयोग किया। जब जब भक्ति की बात आती है प्रथम दृष्टि में उसे अपना बेटा देता है, अपना मकान देता है, अपना दुकान देती है, अपने कपड़े देते हैं, अपने अपने सारे के सारे संसार नजर आते हैं। भगवान आपके घर में रिश्तेदार आ रहे हो और इतना विशेष शांतिदार करने जाते हो तो उस दिन पहले रिश्तेदार तो विशेष करने चले जाओगे, पहले भगवान बैठ ही नहीं क्या जाता है भगवान भी नहीं जा रहा है तो कोई भी करके बात नहीं करनी। तो आपके दामाद आ रहे हो तो कुमार साहब आ रहे हो तो उनकी कीमत ज्यादा से रही हो जाएगी हवाई नहीं आए इसे पूछो कोई भी आ रहा हो भगवान हमें कह रहे हैं सबकी दृष्टि में भगवान समर्पण से आपने प्रभु को कौन सा स्थान अपने हृदय में दिया
बस प्रथम स्थान देना सीखो तो सही, एक बार भगवान को अपने हृदय में उन्हें मानना सीखो तो सही, फिर तो कृष्ण की कमी रहेगी। इस भावना को कोई लेकर भी नहीं आता है। सबसे लास्ट नंबर पे है, आपके बच्चे पहले आ जाएंगे, दुकान पहले आ जाएगी, मकान पहले आ जाएगा, पति लत्ते पहले आ जाएगा, भोजन पहले आ जाएगा, नाश्ता पहले आ जाएगा, चाय पहले आ जाएगी, जूते चप्पल पहले जाएंगे। जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद आखिरी नंबर भगवान का, जिसकी दृष्टि में भगवान आखिरी नंबर में है उसे सबसे आगे का स्थान मिलता है। बिल्कुल मान करके चलना, क्योंकि उसे भगवान को लास्ट नंबर पे रखा अपने जीवन, उसे भगवान को टॉप में रखा ही नहीं। तो आप हृदय में कौन से स्थान में प्रभु को रखते हो, सारा का सारा खेल इस पर आधारित होता है और किसी पर आधारित नहीं होता। और जिसकी दृष्टि में प्रथम स्थान में प्रभु आ जाएंगे वो धन अपने आप दे ही देगा। क्यों? क्योंकि भगवान को पहला मान रहा है ना। ये कहला कि भक्ति, ये कहलाता समर्पण। सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं आप लोगों से, ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि 4 महीने 6 महीने से आप लोग पूज्य महाराज श्री की, बड़े महाराज जी की प्रवचन सुनते आ रहे हो, बहुत कुछ आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी क्लासेस अटेंड की होगी, बहुत सारी भक्ति आपने सीखी होगी। तो ज्यादा हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे महाराज जी कुछ महाराज जी बहुत अच्छे से सबको बात सब दे करके गए, सबको समझा करके गए। हम तो बहुत छोटे हैं महाराज जी का, महाराज जी से हमने बहुत कुछ सीखा अपने जीवन में, साधना क्या होती है, किस प्रकार से किया जाता है। जब हमने इस क्षेत्र में पदार्पण नहीं किया तब से महाराज जी 45 कितने वर्ष हो गए महाराज जी के क्षेत्र में, 48 साल हो गए, 48 साल। तो महाराज जी से हम लोगों ने सब कुछ सीखा है, तो महाराज जी ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, दिया है। लेकिन आप लोगों ने लिया कितना, कितना लिया, अंदर कितना लिया, बहुत दिया, बोल कितना लिया, बहुत दिया, धन से, समर्पण से, भक्ति से। जिसके हृदय में समर्पण आ जाएगा, जिसके हृदय में भक्ति की भावना आ जाएगी, वो व्यक्ति मन चाहनी प्रभु से मिलेगा। मन चाह उसके मन में जो बात आ जाएगी वो पूरी अवश्य हो जाएगी, कोई किसी का ताकत नहीं संसार में उसे रोक सके। बस इतना ही कहना चाहते हैं, प्रभु को पहला स्थान देना सीखो अपनी दृष्टि में। नहीं, जो कुछ है हमारे भगवान है, मैं इनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। 25 लाख की क्या 50 लाख की बात है, सब कुछ अर्पित करने को तैयार हूँ। आज अगर भगवान ने अपनी जीवन भर की साधना अर्पित कर दी आदिनाथ भगवान के लिए, बड़े बाबा के लिए, हम आपसे पूछेंगे तो आप तो हिसाब किताब कराते रहोगे। जितने बढ़िया है जिन्हें बोल दिए वो भी हिसाब किताब कर, जिन्हें नहीं दी होगी वो भी हिसाब किताब कर। अच्छा मैं तो बच गया, कहीं ऐसे भी हूँ अच्छा मैं तो आई नहीं, आया ही नहीं, मैं तो फंसा ही नहीं, महाराज जी की गंगा पड़ा होगा, मैं तो पीछे पीछे रह गया, मैं तो बच गया। जो व्यक्ति ये सोच रहा है उससे बड़ा भाग और भी कोई नहीं है। यदि आपने सोचो मैं बच गया हूँ तो ये जाल थोड़ी था, भक्ति के लिए ग्रहण के लिए जाल नहीं है, ये तो आपके उत्थान के लिए सबसे बड़ा एक मामलिक निमित्त होता है। इसको बोलकर कि इसको बात को ध्यान में लाकर के लिए आप प्रसन्न हो गए कि मैं बच गया हूं, मैं नहीं बच पाया हूं, तो समझना आपने भी प्रभु को समझा ही नहीं। इनसे बड़ा भाव है दुनिया में कोई नहीं है। ये कई लोग मन में ये बात भी आती होगी, तो मंदिर से नहीं लगे होंगे ना, आती होगी नहीं कुछ मन में, अरे हम तो बच गए, हम तो गिरफ्त में आ ही नहीं पाए। महाराज जी ने कई बार समझाया होगा आती नहीं, जो लोग नहीं खड़े होंगे उनके मन में आती होगी बात, ये तो आती होगी। यदि आपके मन में ये बात आ रही है तो समझना आपके भगवान की पति नहीं जा रही है। आप कि मुझसे कौन सा शब्द निकल गया, मैं बच के मैं फंस नहीं पाया, इसका मतलब है भगवान फंसाने वाले, गुरु महाराज फंसाने वाले नहीं। अहोभाग्य मानना चाहिए, जिसने अर्पित किया वो तो अहोभाग्य माने, अरे मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी जीवन की साधना धन्य हो गई, मेरा जो भी आप इन्वेस्ट जिस क्षेत्र में भी करते हैं उसका उपयोग किसमें होता, सिवाय पापों के कारण के अलावा किसी में नहीं होता। तो जो बच गए हैं वे सिर्फ और सिर्फ पाप कमारण ये कहना चाह रहे हैं, और जिन्होंने अर्पित किया है समझना उन्होंने अपने जीवन की कमाई को धन्य कर दिया। ऐसे ही वे लोग जो भविष्य में आने वाले क्षेत्र में आने वाले काल में चक्रवर्ती मंडलेश्वर अर्धमंडलेश्वर जैसे राजा के पद को पाने वाले होते हैं। चक्रवर्ती और कौन बनता है, जिसने प्रभु को सब कुछ पहला स्थान दिया है और अपना पहला स्थान मान करके जो दस की शक्ति थी बल्कि शक्ति से बढ़कर के प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। ऐसी भावना ही व्यक्ति को चक्रवर्ती बनाना चाह बनाने वाली होती है। तो हम तो देख रहे हैं नागपुर में
160 विदेश क्षेत्र भी कर्म होंगे, पांच भारत पांच जगह 170 कर्म होंगे, ऐसा लग रहा है कि 170 में से यही से आपको मतलब चतुर्थी मिले उनके लिए पीछे का दरवाजा खुला हुआ है। बिल्कुल सब कह रहे हैं तो ये क्योंकि आपने प्रभु को फसाने का साधन मान ली, भले ही आपकी शक्ति नहीं है, भले आप ना ले पाए, तो अपने आप ही अंदर ही अंदर अफसोस जाइए करो, देखो मैं कैसा पापी हूँ, मैं मंदिर से नहीं जुड़ पाया, तो ये आपके लिए कल्याण का निमित्त बन जाएगा, देखो मैं नहीं जुड़ पाया, मैं नहीं दे पाया, मुझे ऐसा भावा कौन होगा, सारी समाज हो गई लेकिन मैं पीछे रह गया, तो अपने अंदर ही अंदर धिक्कारना स्वयं को, मैं कैसा पापी हूँ, मेरा द्रव्य कितना पाप का है कि प्रभु मेरे द्रव्य को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, भगवान मेरे धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ऐसे जीवन में उससे बड़ा पापी तो कोई होगा नहीं, क्योंकि मैं इसका उपयोग जीवन में पाप के मारने के लिए करूंगा। जो नहीं जुड़ पाए उन्हें प्रसन्न नहीं होना, उन्हें अंदर का दुखी होना है, किस बात को लेकर के दुखी होना, किस बात को लेकर के चिंतन करना है कि देखो मेरा जीवन कैसा है, मैंने भी सब कुछ किया, मैंने भी कमाया, अन्य लोगों ने भी समाज के लोगों ने कमाया, लेकिन उन्होंने अपने द्रव्य का सदुपयोग कर लिया, लेकिन मैं नहीं कर पाया, ये धिक्कारने की भावना यदि आ जाएगी तो ये भावना आपके लिए कल्याण का निमित्त बनेगी, और आप प्रसन्नता का भाव अपने भीतर लेकर के आ रहे हो, तो इस मार्ग का मतलब है ये पतन का कारण है, ये बीज आप जो बो रहे हैं मगर के लिए बीज बो रहे हैं। तो जो लोग प्रसन्न हो रहे हैं मंदिर नहीं जुड़ने से, मंदिर से नहीं जुड़ने से, समझना वो अपने लिए बीजारोपण कर रहे हैं पतन का, भविष्य में अभावों का बीजारोपण होने वाला, कुछ नहीं होना, आपकी शक्ति नहीं है कोई बात नहीं, सामर्थ्य भी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन सामर्थ्य नहीं है तो चिंतन क्या रहना, हे प्रभु मुझमें वो सामर्थ्य कब आएगी कि मैं भी ऐसा ही जुड़ सकूं, तो ये भावना आपको उत्थान का सबसे बड़ा कारण बनने वाली है। जितने लोग भी अभी नहीं जुड़ पाए उन सबसे कहना है, यदि आप ऊंचा उठना चाहते हो, यदि आप बढ़ना चाहते हो, आप भी उसी स्टेज में आना चाहते हो जो प्रमुख लोग इस स्टेज में आ गए हैं, प्रमुख कार्यों में जुड़ गए हैं, तो उनको देख करके मन मन प्रसन्न होना, उनकी मन से अनुमोदना करना और स्वयं को धिक्कार करना कि वह दिन से धिक्कारना कि वह दिन कब आएगा जब मैं भी इस प्रकार का कार्य कर सकूं, तो यह धिक्कारने की भावना सबसे बड़ा कारण होती है ऊपर उठाने के लिए जीवन में। लेकिन हम देख हमें देख करके बड़ा दुख होता है, जो नहीं जुड़ पाते हैं वो अंदर अंदर क्या करते हैं, बड़े कुछ करते हैं, हम तो बच गए, ये भावना कभी मन मत आना, मैं आपकी शक्ति है कोई बड़ी शक्ति, सबकी शक्ति जैसे नहीं होती, तब भी जानते हैं कुछ लोग बड़े होते हैं, कुछ लोग मीडियम क्लास के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, सबकी अपनी अपनी क्षमता है, सबकी अपनी अपनी शक्ति है, घर की परिस्थितियां, दुकान की परिस्थितियां, प्रतिकूलताएं होती है, लेकिन अंदर ही अंदर कभी अपने मुख से शब्द मत कह देना कि मैं बच गया, जो लोग ये कहते हैं उन सबसे कहना है कभी उसे सर्वना निकाल देना, यदि आपके उसे एक बार शब्द नहीं मिला तो समझना आपने अपने जीवन में गरीबी का बीजारोपण कर दिया, भविष्य में ऐसे लोग गरीब हो जाएंगे, कौन से लोग बनने वाले हैं जो प्रशंसा करेंगे, अनुमोदना करेंगे और अंदर दिन का भावना भागी महंगे ये प्रभु वह दिन कब आएगा जब मैं भी ऐसे कार्य कर सकूं, तब भाग्य मेरो उदय आयो, वो उदय भाग्य का उदय मानना, अपने आप को सबसे पुण्यशाली मानना कि ऐसे प्रभु का दर्शन मैं कर पा रहा हूँ, ऐसे प्रभु की भक्ति मैं कर पा रहा हूँ, ऐसे प्रभु के जिनारे में जुड़ पा रहा हूँ, यानी दान दे करके हर्षित होना, न कि पछतावा अपने भीतर दे करके आना मैं फंस गया हूँ। कई लोग दे करके पछता रहे होंगे और कई लोग नहीं दे करके खुश हो रहे होंगे, दोनों ही पतन के पीछे रहने वाले हैं, तो करना क्या है, आप नहीं दे पा रहे हो तो निकालना, और दिया है बड़ा आनंदित होना, अरे मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे बाप की कमाई धन्य हो गई, पछताना बिल्कुल नहीं, जितनी जगह मैं दान दिया, जितनी जगह घोषणा की है, अंदर ही अंदर प्रसन्न होना, खूब आलोहन इसके भाव से बनना, नहीं मेरा तो जीवन इससे अच्छा कुछ जीवन में कोई कार्य हो ही नहीं सकता था, जो मैंने कार्य किया तो धन्य है, अहो भाग्य है, कुछ वर योगसागर महाराज जी का निर्यात पुत्र योगसागर महाराज जी का चतुर्मास का लाभ मिला, सही मार्ग में सही रास्ते में सही कार्य में लग गई, यदि वे नहीं आते तो आप लोग क्या करते, एक लाटो खरीद लेते, सॉरी एक लाटो खरीद लेते, मना नहीं है आपकी आवश्यकता, वो भी जरूरत है, कोई प्राथमिकता है परिवार को,
देने के लिए, पर जिन्होंने जो दिया है समझना उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, और दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कई गुना लौट करके वह मिलता है। एक कसरत के आने के बाद जो बीजा होता है उसे बोया जाता है, जो बटकर फलता है कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि उसकी जड़ें ही नहीं पता पड़ेगी पूरी जड़ को, इस वर्ष से और जड़ें फूटते चले जाती है, फूटती चली जाती है, इतना फैलाव के लिए वर्ष हो जाता है कि मूल बीज कौन सा था, मूल जड़ कौन सी, वही पता नहीं चल पाती है। एक वर्ष ऐसा भी प्रदत्ता में 4 मीटर के डायमीटर में फैला हुआ है। आज तक वैज्ञानिकों को यह पता नहीं कर पाए कि पहली जड़ कौन सी थी, उस वर्ष की जड़, क्योंकि इतने घनी घनी जड़ हो गई फैल गई 4 मीटर के डायर में। भविष्य में वह कई गुना लौट करके आएगा, कई गुना फल करके मिलने वाला है, और जो पछता रहे हैं वो और अच्छे हैं, और जो प्रसन्न हो रहे हैं बच गए हैं उनसे ज्यादा अभी तक कोई नहीं है। सबसे कहना है खुश नहीं होना जो बच गए हैं, खुश किसके लिए होना है जिन्होंने दिया है, पछताना किसने जो नहीं दे पाए, पर यदि अभी भी नहीं दे पाए हो तो अभी भी अब आपके पास मौका है, क्योंकि आप कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे। देख लेना यानी जितने लोग नागपुर में आए थे यहाँ पर 500 वर्ष पूर्व क्या लेकर के आए थे आप लोग नागपुर आए थे, तो 100 रुपए लेकर के आए थे, अभी भी है जी
होते करते समय ऐसे नहीं होते, अरे कल बहुत खा लिया था अब नहीं खाना, कल पार्टी में बहुत खा लिया है बोले अब तो खाना ही नहीं, ऐसा होता कभी? कल कर हो गया ना ऐसा, एक बार भोजन करके पार्टी में कितने देर भोजन करते अभी को सौदा मिल जाएगा, लेकिन पेशेंट का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो गाड़ी कर दो, समझ रहे हो कि नहीं? ज्यादा नहीं कहना चाहते लोन लेके, आपको वाले सारे को सारे समझदार है, शुरू से जानते हैं, नहीं होंगे तो लोन लेके, नहीं होंगे तो लोन लेके लौट ले, कभी लोन लेकर के दान देना सीखा, एक बार कोशिश कर भावना था, मैंने लोन लेकर कई काम किया, लोन लिया है कई, लोन लेकर के कई इन्वेस्टमेंट किया, एक बार अंदर से भावना आना कल लेकर मैं दान दूंगा, भावना भागा थे देखो, कोशिश तो करते रहो, पर कर्जा नहीं करते तुम, ये मैं किस काम का, एक मंत्री इंस्टॉलमेंट दे उस दिन मैं, पर करते देखो तो सही, अरे वो व्यक्ति सही भक्त मान रहे हैं तो क्षमता नहीं है, फिर भी भगवान के लिए उसने कितनी बड़ी भावना व्यक्त की है, कितना बड़ा प्रभु को माना है, कितना बड़ा स्थान दिया है, तो ऐसे भक्त के लिए तो भगवान भी इंतजार करते हैं, ऐसा भक्त कहां मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा भक्त पहली बार मिला उसका कल्याण मैं पहले करूंगा, इस बात को मान करके चलना है, तो ऐसे लोगों को देखना चाहते हैं क्योंकि मंगलाचरण हो रहा है, राज अतिशयकारी कामठी के भगवान है, यही इसके प्रभु से मंगलाचरण होगा, महावास का उत्सव होगा, ऐसा पुण्यशाली वो कौन सा श्रावक निकल करके आएंगे जो यहाँ प्रभु का महामस्तक अभिषेक और शांति धारा करेंगे, क्योंकि इसी के बाद आगे की सारी यात्रा का डिसीजन होगा, कितने दिन नागपुर में रुकना है, कितने महीने रुकना है, सीता रुकना है, जो मूल है देखो ये पुराना मंदिर है, इन्हीं के सानिध्य में रहते हुए चरण समिति में सारा का सारा क्षेत्र का विकास हुआ, आपके परिवार का विकास हुआ, दुकानों का विकास हुआ, घर का विकास हुआ, तो अपने पूर्वज अपने इष्ट प्रभु को कभी नहीं भूलना, कदम जी उस मंदिर से आप नहीं जुड़ पाओ तो चल जाएगा, लेकिन इन प्रभु को नहीं भूलना क्योंकि इन्हीं की बदौलत सब कुछ मिला है, तो ऐसे प्रभु के भक्त को हम देखना चाहते हैं, कुलदेवा ये श्री आदि नाथ भगवान।